हेलो एंड वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। इस वीडियो में आज हम देखेंगे ऑप्शन राइटिंग टूल वर्जन 2, जिसके अंदर हम हैवी क्वांटिटीज़ में ऑर्डर पंचिंग करते हैं। तो इस टूल के अंदर वर्जन 2 के अंदर हमने बेसिकली बहुत सारे इंपॉर्टेंट फीचर्स ऐड किए हैं, ऑप्टिमाइजेशन किया है एंड इसको ईजी टू यूज़ बनाया है। तो वीडियो को एंड तक ज़रूर देखें। करंटली इस टूल का कॉन्फिग्रेशन ज़ीरोधा एंड एंजल ब्रोकिंग के साथ किया हुआ है। तो बेसिकली अगर आपका ज़ीरोधा अकाउंट है तो भी आप इसको यूज़ कर सकते हो, या फिर एंजल ब्रोकिंग का अकाउंट है तो भी आप इसको यूज़ कर सकते हो। तो चलिए अब हम फीचर्स के बारे में बात करते हैं। हम यहाँ पे टॉप लेफ्ट साइड से स्टार्ट करते हैं। तो बेसिकली आपका जो भी अवेलेबल मार्जिन होगा तो यहाँ पे आपको दिखाई देगा, उसके बाद आपका जो भी एक्सपोजर मार्जिन होगा, उसके बाद जो भी स्पैन होगा तो वो यहाँ पे दिखाई देगा। जैसे ही आप आपके अकाउंट में कोई ऑर्डर प्लेस करते हो तो वो इमिडिएटली यहाँ पे जो भी चीज़ें होगी वो रिफ्लेक्ट हो जाएगी। हमें ऑर्डर प्लेसमेंट के वक्त जो भी एक्सपायरी चाहिए या फिर प्रोडक्ट टाइप चाहिए या फिर वैरायटी चाहिए तो हम वो यहाँ से सिलेक्ट कर सकते हैं। जैसे कि एक्सपायरी के अंदर हमें सारी अवेलेबल एक्सपायरीज मिल जाएंगी। उसके बाद जो भी हमें प्रोडक्ट टाइप चाहिए अकॉर्डिंग टू ब्रोकर हम वो सिलेक्ट कर सकते हैं। उसके बाद हमें जो भी वैरायटी चाहिए होगा वो यहाँ पे हम सिलेक्ट कर सकते हैं। तो अभी इस वीडियो के डेमो के लिए तो मैंने एंजल ब्रोकिंग वाला ब्रोकर यूज़ किया है। तो इसके अंदर जो भी ऑर्डर्स फायर करेंगे वो सारे एंजल ब्रोकिंग के अंदर ही फायर होंगे। अगर हम यहाँ पे बॉटम लेफ्ट कॉर्नर के अंदर देखते हैं तो हमें 4 काइंड ऑफ शीट्स मिल जाती है, जैसे कि निफ्टी है, बैंक निफ्टी है, उसके बाद फिन निफ्टी है एंड ऑर्डर बुक है। हमें जो भी ऑपरेशंस परफॉर्म करने हैं वो हम रिस्पेक्टिवली शीट्स के अंदर जाके करेंगे। जैसे कि अगर निफ्टी वाले जो भी हमें ऑर्डर्स फायर करने हैं वो हम यहाँ से करेंगे निफ्टी वाली शीट के अंदर से, बैंक निफ्टी वाले ऑर्डर्स हम बैंक निफ्टी वाली शीट के अंदर से करेंगे, फिन निफ्टी वाले ऑर्डर्स जो भी रहेंगे वो हम फिन निफ्टी वाली शीट के अंदर से पंच करेंगे। उसके बाद अगर हमें जो भी ऑर्डर मैनेजमेंट वाला पोर्शन आ जाता है वो हमें ऑर्डर बुक वाले सेशन से मैनेज करना होगा। यहाँ से हम हमारे जो भी ऑर्डर्स है हम उसको कैंसिल कर सकते हैं या फिर मॉडिफाई कर सकते हैं अकॉर्डिंगली। तो चलिए अभी हम देखते हैं ऑर्डर किस तरीके से फायर किया जाता है। तो मैं अभी यहाँ पे क्या करता हूँ, ये सारी चीज़ें डिलीट कर देता हूँ। उसके बाद अभी अगर आपको ऑर्डर फायर करना होगा तो हमने यहाँ पे बहुत ही सिंपल कर लिया है। पहले हमें अगर वर्जन 1 में अगर हम देखेंगे तो हमें ट्रेडिंग सिंबल बेसिकली कॉपी पेस्ट करना होता था, लेकिन अभी आप यहाँ पे क्या कर सकते हो, डायरेक्टली जो भी आपको स्ट्राइक प्राइस चाहिए वो आप यहाँ पे लिख सकते हो। जैसे कि मैंने 16,000 सी लिख दिया तो हमारा जो भी ट्रेडिंग सिंबल होगा वो ऑटोमेटिकली लोड हो गया है यहाँ पे। हम यहाँ पे जो भी हमें ऑर्डर टाइप चाहिए होगा वो हम यहाँ पे इसे सिलेक्ट कर सकते हैं। जैसे कि मैं अभी मार्केट ऑर्डर यूज़ करूँगा। उसके बाद हमें जो भी क्वांटिटीज़ लिखना है तो हम यहाँ पे लिखेंगे। जो भी हम यहाँ पे क्वांटिटीज़ लिखेंगे वो बेसिकली मैक्सिमम अवेलेबल चंक्स के अंदर डिवाइड हो जाएंगी। जैसे कि हम यहाँ पे 25,000 क्वांटिटीज़ को फायर करेंगे इस डेमो के अंदर। उसके बाद हमारा मार्केट ऑर्डर है, हम तो प्राइस ज़ीरो रखेंगे। उसके बाद जो भी ट्रिगर प्राइस होगा वो ज़ीरो रखेंगे। अभी यहाँ पे अगर आप देखोगे कि बाई और सेल, तो इसके अंदर हमने एक फैसिलिटी ऐड कर दिया है। अगर आपको कोई भी सिंबल को बाई करना है तो आपको सिर्फ यहाँ पे बी दबाना होगा, कैपिटल या स्मॉल। अगर आपको कोई भी सिंबल को सेल करना होगा तो आपको सिर्फ एस दबाना है, कैपिटल या स्मॉल। तो चलिए हम यहाँ पे पहले तो हम सेल करेंगे, तो मैं यहाँ पे एस दबाऊंगा और एंटर कर लूंगा। तो इसके बाद अगर आप देखोगे तो यहाँ पे हमारा ऑर्डर फायर होना स्टार्ट हो गया है, एंजल ब्रोकिंग के अकाउंट में आ चुके हैं। जो भी हमने ऑर्डर्स फायर किए थे सॉफ्टवेयर के थ्रू वो सारे ऑर्डर्स यहाँ पे आ चुके हैं। जब मैं ये वीडियो रिकॉर्ड कर रहा हूँ तो बेसिकली सैटरडे है आज, और जो भी हमने वैरायटी यूज़ किया था वो एएमओ किया था, इसलिए हमने जो भी ऑर्डर्स फायर किए थे एज अ ऑर्डर टाइप मार्केट करके वो सारे हमारे पेंडिंग के अंदर आ चुके हैं। एएमओ के लिए मार्जिन ब्लॉक नहीं होता है, तो थ्रू आउट द वीडियो आपको जो भी मेरा इनिशियल मार्जिन होगा वही दिखेगा। अगर आप लाइव के अंदर लाइव में जो भी ट्रेड करोगे तो वो जो जैसे ही आपका ट्रेड के लिए मार्जिन रिक्वायर्ड होता है तो उसके अकॉर्डिंग आपका यहाँ पे जो भी आपका अवेलेबल मार्जिन होगा वो चेंज होते रहेगा। तो चलिए अभी हम देखते हैं बैंक निफ्टी के लिए ऑर्डर फायर करके। तो अभी हम क्या करेंगे, 32,000 का पी शॉर्ट करेंगे लिमिट ऑर्डर टाइप के ऊपर। तो जैसे मैंने 32,000 पी लिख दिया तो यहाँ पे उसने ट्रेडिंग सिंबल ऑटोमेटिकली सिलेक्ट कर लिया। उसके बाद हम यहाँ पे ऑर्डर जो भी हमें ऑर्डर टाइप चाहिए वो लिखेंगे। मैंने यहाँ पे लिमिट लिख दिया है, जो भी हमें क्वांटिटीज़ चाहिए वो हम यहाँ पे लिख देंगे। जैसे कि मुझे 50,000 क्वांटिटीज़ को शॉर्ट करना है, तो उसके बाद हम यहाँ पे जो भी हमें प्राइस चाहिए तो वो लिख दिया यहाँ पे। तो मैं यहाँ पे 600 लिख देता हूँ। उसके बाद ट्रिगर प्राइस को एज अ ज़ीरो रख लेता हूँ। उसके बाद अभी हम मुझे यहाँ पे बाई करना है तो बी लिखूंगा, सेल करना है तो एस लिखूंगा। तो मैं यहाँ पे सीधे सीधे एस लिख देता हूँ। तो यहाँ पे मेरे जो भी ऑर्डर्स फायर होना है वो स्टार्ट हो चुका है। यहाँ तक अभी तक हमारी 50,000 क्वान्टिटी सेल शॉर्ट भी हो चुकी है। तो अभी हम हमारे अकाउंट के अंदर आके देखते हैं कि सही में हमारे क्वान्टिटीज जितने सारे भी हमने यहाँ से फायर किए हैं वो उधर आ चुके हैं या नहीं आ चुके हैं। तो अभी आप यहाँ पे देख सकते हो कि जो भी हमने ऑर्डर्स फायर किए थे वो सारे यहाँ पे आ चुके हैं। बेसिकली 32,000 पी के जितने सारे भी हमने ऑर्डर्स फायर किए थे वो सारे यहाँ पे आ चुके हैं। जैसे कि अभी आप यहाँ से देख सकते हो कि हमने क्या किया था, 50,000 क्वांटिटीज़ को शॉर्ट किया था, तो उसने एग्जैक्टली 2,500 मतलब 100 लॉट्स के अंदर उसको मैनेज करके फायर किया है। तो यहाँ से हमने जितने सारे भी ऑर्डर्स फायर किए थे
तो वो सारे ऑर्डर्स यहाँ तक है, मतलब नियर अबाउट 50,000 ऑर्डर्स जो भी हमने क्वांटिटी सेल किया था वो सारे ऑर्डर्स यहाँ पे आ चुके हैं। अभी हम इसके अंदर और एक ऑर्डर फायर करके देखेंगे। इस बार हम जो भी ऑर्डर टाइप होगा वो एसएलएम यूज़ करेंगे, स्टॉप लॉस मार्केट ऑर्डर। उसके बाद हम 31,500 का जो भी कॉल होगा उसको हम क्या करेंगे, बाई करेंगे। उसके बाद हमने यहाँ पे एसएलएम लिखा है। उसके बाद हम जो भी क्वांटिटीज होंगी वो हम यहाँ पे लिखेंगे 15,000। उसके बाद जो भी प्राइस होगा वो जीरो रहेगा क्योंकि एसएलएम ऑर्डर है। उसके बाद अभी हम क्या करेंगे, 850 जो भी हमारा प्राइस होगा, ट्रिगर प्राइस होगा, वो 850 रखेंगे। और अभी मैं क्या करूँगा, यहाँ पे बी प्रेस करूँगा तो हमारा जो भी ऑर्डर होगा वो बाइंग के लिए फायर हो जाएगा। तो अभी आप देखिए कि हमारी 15,000 क्वांटिटीज बेसिकली बाइंग के लिए फायर हो चुके हैं। यहाँ पे मैं मेरे अकाउंट के अंदर आ चुका हूँ। आप यहाँ पे देख सकते हो कि जो भी हमने ऑर्डर्स फायर किए थे बाइंग के लिए 31,500 के लिए, वो हमारा यहाँ पे ऑर्डर आ चुके हैं। जैसे कि हमने एसएलएम यूज़ किया था, उसके बाद जो भी ट्रिगर प्राइस था वो 850 था, और जो भी हमने 15,000 क्वांटिटीज सेल की थी वो बेसिकली यहाँ पे आ चुकी है। तो चलिए अब हम देखते हैं कि ऑर्डर मैनेजमेंट किस तरीके से किया जाता है। तो अब हम ऑर्डर बुक के अंदर जैसे ही आ जाएंगे तो हमारे जो भी अवेलेबल पेंडिंग ऑर्डर्स होंगे वो सारे के सारे यहाँ पे लोड हो जाएंगे। आप यहां से जो भी आपको स्ट्राइक प्राइस चाहिए या फिर जो भी आपको ट्रेडिंग सिंबल को सर्च करना है आप यहां से कर सकते हो। जैसे कि अभी मैंने यहां पे 16,000 सर्च किया है, तो जैसे ही आपने 16,000 सी लिख दिया तो जो भी आपके 16,000 सी के ऑर्डर्स होंगे वो सारे के सारे हाईलाइट हो जाएंगे। अब हम यहां पे क्या करेंगे, 32,000 के लिए सर्च करेंगे। तो जैसे मैंने 32,000 लिख दिया तो जो भी आपके 32,000 के पी के ऑर्डर्स है वो सारे के सारे हाईलाइट हो जाएंगे। तो फर्स्टली हम क्या करेंगे, ये जो भी 31,500 सी के ऑर्डर्स है उसका जो भी ट्रिगर प्राइस होगा वो हम 850 से चेंज करके 900 कर लेंगे। उसके बाद जो भी हमने ऑर्डर्स लिखे थे यहाँ पे 32,000 पी के, जो इसका प्राइस है अभी अवेलेबल प्राइस है 600, तो हम इसको मॉडिफाई करके 700 कर लेंगे। तो अभी आपको यहाँ पे क्या करना है, जैसे आपको जो भी आपको प्राइस ऑर्डर का प्राइस चेंज करना है तो आप यहाँ पे आओगे, सीधे सीधे लिख दोगे। जैसे मैंने ट्रिगर प्राइस में 920 लिख दिया तो इसने इसका ऑर्डर अपडेट कर दिया। तो बेसिकली ये जो भी ऑर्डर है वो बेसिकली अभी आपके एंजल ब्रोकिंग के अकाउंट में अपडेट हो चुका है। तो अभी हम क्या करेंगे, अगर हमें मल्टीपल ऑर्डर्स को सेम टाइम में चेंज करना है तो हम क्या करेंगे, इसको ड्रैग एंड ड्रॉप करेंगे। तो बेसिकली जो भी हमारे ये 31,500 सीई के ऑर्डर्स है वो यहाँ पे अपडेट हो चुके हैं। तो चलिए हम हमारे एंजल ब्रोकिंग के अकाउंट के अंदर आके देखते हैं कि हमारे ऑर्डर सच में अपडेट हुए हैं क्या। तो अभी आप यहाँ पे देख सकते हो कि जो भी हमने 31,500 सीई के लिए ऑर्डर्स को मॉडिफाई किया था तो वो सारे के सारे ऑर्डर्स यहाँ पे मॉडिफाई हो चुके हैं। जैसे कि यहाँ पे जो भी हमारा ट्रिगर प्राइस था हमने 800 से लेकर 920 किया था, तो ये सारे के सारे यहाँ पे ऑर्डर्स बेसिकली चेंज हो चुके हैं। अभी हम क्या करेंगे, ये जो 32,000 पी के ऑर्डर्स है इसका बेसिकली जो भी प्राइस होगा वो 600 है, तो हम क्या करेंगे इसको चेंज करके 700 कर लेंगे। जैसे हमने 700 कर लिया तो इसने क्या किया कि इस ऑर्डर को बेसिकली अपडेट कर लिया है। तो अभी हम फिर से क्या करेंगे, जो भी हमारे 32,000 पी के जितने सारे भी ऑर्डर्स हैं उनके लिए हम क्या करेंगे, ये ऑर्डर को चेंज कर लेंगे। तो बेसिकली यहाँ पे हमारे यहाँ तक ऑर्डर चेंज हो चुके हैं, मैंने फिर से ड्रैग एंड ड्रॉप कर लिया। तो जो भी हम जितने भी बार ड्रैग एंड ड्रॉप करते हैं तो उतने बार ये सारे ऑर्डर चेंज कर लेता है। तो यहाँ पे हमारे सारे के सारे ऑर्डर 700 के ऊपर सेट हो चुके हैं। तो चलिए आइए देखते हैं मेरे अकाउंट में जाके कि ये सारे ऑर्डर चेंज हुए हैं क्या। तो मैं यहाँ पे रिफ्रेश कर लेता हूँ, तो यहाँ पे पेज रिफ्रेश हो चुका है बेसिकली। तो आप यहाँ पे देख सकते हो कि 32,000 पी के जो भी हमने ऑर्डर्स चेंज किए थे वहाँ से, उन सब के लिए जो भी प्राइस होगा वो 700 के ऊपर सेट हो चुका है। अगर मैं इसको स्क्रॉल भी करता हूँ, जो भी जितने सारे भी ऑर्डर्स अवेलेबल होंगे हमारे 32,000 पी के, वो सारे के सारे 700 के ऊपर सेट हो चुके हैं। तो मैंने यहाँ पे पेज को रिलोड कर लिया है। अभी हम देखेंगे कि हम किस तरीके से बल्क में ऑर्डर को कैंसिल कर सकते हैं। ऑर्डर कैंसिल करना बहुत ही आसान है। आप क्या करोगे, कैंसिल ऑर्डर के सेशन में आके सी लिखोगे। जैसे आपने सी लिख के एंटर प्रेस कर दिया तो बेसिकली ये ऑर्डर कैंसिल हो चुका है। अगर आपको मल्टीपल ऑर्डर्स कैंसिल करने हैं तो आप ड्रैग एंड ड्रॉप करोगे। तो बेसिकली जितने भी हमारे 31,500 के ऑर्डर्स होंगे वो सारे के सारे कैंसिल हो जाएंगे। तो मैं यहाँ पे आके मेरे अकाउंट के अंदर रिफ्रेश कर लेता हूँ। तो अभी आप यहाँ पे देख सकते हो कि जो भी हमारे एग्जीक्यूटेड ऑर्डर्स के अंदर जो भी हमने कैंसिल किया था तो वो सारे के सारे ऑर्डर्स हमारे कैंसिल हो चुके हैं। एक फ्रिक्वेंट क्वेश्चन होता है एपीआई सब्सक्रिप्शन के बारे में, जिसका आंसर कुछ इस तरीके से होगा। अगर आप इस टूल को इंटीग्रेट करना चाहते हो एंजल ब्रोकिंग के एपीआई के साथ, तो उसका चार्ज रहेगा फ्री ऑफ कॉस्ट, क्योंकि एंजल ब्रोकिंग एपीआई के लिए कुछ भी चार्ज नहीं करता है। अगर आपको इस टूल को ज़ीरोधा के साथ इंटीग्रेट करना है तो उसका चार्ज 2K पर मंथ होगा, वो डायरेक्टली आपको ज़ीरोधा को पे करना होगा। अगर आपको कुछ एडिशनल क्वेरीज है तो आप मुझे इस नंबर पर कॉन्टैक्ट कर सकते हो। प्राइसिंग डिटेल के लिए भी आप मुझे इस नंबर पर व्हाट्सएप पे पिंग कर सकते हो। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा है, आपको कुछ नया सीखने के लिए मिला है, तो आप इस वीडियो को लाइक ज़रूर कर दीजिए।